समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव द्वारा आह्वान पर, उनके आह्वान पर लगातार समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लगातार लोगों की मदद की जा रही है जो कोविड में परेशान हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको कोविड के नियमों का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों की मदद की जा रही है। चाहे राशन वितरण किया जा रहा हो, चाहे भोजन वितरण किया जा रहा हो, चाहे मास्क वितरण किया जा रहा हो, लगातार लोग वितरित कर रहे हैं कई दिनों से, और आगे भी लगातार ये अनवरत कार्यक्रम चलता रहेगा। माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे जब तक ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती है, और जब तक ये कोविड में लोग परेशान हैं, असहाय हैं, लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरतें हैं, आवश्यक चीज़ें ज़रूरत है, वो सभी तरीके से पार्टी के लोग कर रहे हैं, लगातार मदद कर रहे हैं। और अब बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो गई इस कोरोना काल में, देख लिया लोगों ने, बीजेपी सरकार ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई, दवाई नहीं उपलब्ध करा पाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं उपलब्ध करा पाई, टीका भी अभी तक नहीं उपलब्ध हो पा रहा लोगों को, पूरे लोगों को लग पा रहा, और जिस तरीके से बेड नहीं उपलब्ध हो पाया, लोगों की जिनकी डेथ हो गई, जिनकी मौत हो गई, उनको शमशान घाटों पर भी जगह नहीं मिली, ऐसे भी नहीं थे कि वो अपने परिवार के लोगों का अंतिम संस्कार ठीक से कर सकते, और लोगों ने इसी बालू में ढक दिया था, और बालू जब हवा उड़ी तो हजारों हजार लाशें जैसे गंगा के किनारे दिखाई पड़ने। ये सरकार की नाकामी, और ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। और जिस तरीके से आज लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास दवाई नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, ये हर मोर्चे पे विफल हो गई। किसान पहले से परेशान कर रखा था, नौजवान को परेशान कर रखा था, छात्र परेशान है, सभी वर्ग सभी जात के लोग परेशान हैं। आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन योगी सरकार बता रही है आंकड़ों में सब ठीक है, आंकड़े केवल मैनेज किए जा रहे हैं, केवल झूठ फैलाने का काम किया जा रहा। मुख्यमंत्री जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, जब ऑक्सीजन से लोग तड़प तड़प के मर रहे थे तो कह रहे थे ऑक्सीजन पर्याप्त है, जैसे नौजवानों से कहते हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं है, इस मानित करने का काम, और ये सरकार पूरी घमंड में आ गई है, योगी सरकार, इसका घमंड जनता ठीक करेगी, अभी पंचायत चुनाव में ठीक किया है, और आगे आगामी 2022 में ठीक करेगी। पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोग भारी संख्या में प्रदेश में जीत के आए हैं, सीधा संदेश लोगों ने दे दिया है कि, और उत्तर प्रदेश की जनता को माननीय अखिलेश यादव जी में भरोसा है, उनके कामों पर भरोसा है, उन्होंने जो काम किए हैं निश्चित तौर पे आज कोविड काल में वही काम आ रहे हैं। अगर जितने माननीय अखिलेश यादव जी ने हॉस्पिटल बना के खड़े कर दिए थे, जितनी स्वास्थ्य सेवाएं बना के खड़ी कर दी थी, उतनी भी योगी आदित्यनाथ चला देते तो हजारों लोगों की जान बच जाती।